हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम स्टेला स्वैप के बारे में बात करेंगे फिर दोबारा से। मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ स्टेला स्वैप के बारे में, और मेरी जो जेम लिस्ट में है कम से कम 5-6 महीने से तो मेरी जेम लिस्ट के अंदर है ही। तो मैं लोगों को सलाह भी दे रहा हूँ कि स्टेला स्वैप बाय करना चाहिए। हालांकि ये तो सलाह को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेला स्वैप है इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल जो है वो क्यों है ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि स्टेला स्वैप के अंदर डेली बेस पे टोकन आ रहे हैं और वो टोकन सर्कुलेशन में सप्लाई में इंक्लूड हो जाते हैं। तो अभी तक जो 16 मिलियन के आसपास है, 16 से भी ऊपर 16.5 मिलियन कह सकते हो इसको, सर्कुलेशन में है। और अगर मार्केट कैप देखा जाए तो सर्कुलेशन के साथ मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, बिकॉज डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब डिमांड ज़्यादा होती है कि सर्कुलेशन ज़्यादा होती है ये टाइम पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो इसका रेट हाई जाएगा, सर्कुलेशन प्लस डिमांड तो रेट में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। एनीवे, तो हमको तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म में इसको रखना है। 2 दिन का गेम नहीं है ये, फॉर लॉन्ग टर्म में मतलब 1-2 साल 1.5 साल इसको रखो। इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कल मैंने अपने अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने बताया था कि 30% डाउन है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तो मैंने जिसने भी वो टेलीग्राम में जो पिंड मैसेज देखा होगा उसको, उसने ऑफकोर्स बाय किया होगा, तो अगर 50% से ऊपर प्रॉफिट हो गया होगा। तो स्टेला स्वैप एक नॉर्मल स्वैप नहीं है, काफ़ी सारे इकोसिस्टम इसके ऊपर हैं। तो हमें स्टेला स्वैप बाय कैसे करना है, मेनली मैं ये वीडियो इसके लिए बता रहा हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में हमें जाना है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर, जो app.stellaswap.exchange करके है और /swap करके है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। एनीवे, तो स्टेला स्वैप की जो एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, और आपको जो मेटामास्क के अंदर है, जो भी यहाँ पे कनेक्ट का बटन है तो कनेक्ट के बटन को क्लिक करके अपने मेटामास्क को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो एड्रेस है मेटामास्क का उसके ऊपर आपने क्या करना है, GLMR भेजने हैं, बिकॉज जो लिक्विडिटी इसमें प्रोवाइड की गई है स्टेला स्वैप के लिए को बाय करने के लिए, वो GLMR के अगेंस्ट में इसका जो टोकन बाय कर सकते हो। स्टेला स्वैप की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, वहां पे स्वैप का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ऐसा सरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है, GLMR ऊपर लिखना है और USDC नहीं, आपको यहाँ पे स्टेला लिखना है। तो स्टेला पे क्लिक करेंगे तो ऊपर GLMR हो गया, नीचे स्टेला हो गया। तो अब क्या करना है, आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है आपको अपना जो है मेटामास्क वॉलेट। ठीक है, जब मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद उस मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करके उसके ऊपर मूनबीम चैन, बिकॉज ये मूनबीम चैन के ऊपर है, मूनबीम चैन के ऊपर किसी भी एक्सचेंज से आप यहाँ पे जो GLMR भेज सकते हो। जब GLMR आ जाए उसके बाद ये यहाँ पे GLMR और यहाँ नीचे स्टेला लिखना है। ठीक है, तो जब ये लिख दोगे, जब यहाँ GLMR आ जाएंगे, मेरे पास जस्ट GLMR 0.44 ही है, तो ये मैं जस्ट एक आपको नॉलेज के लिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं ये बनाया है। तो मुझे क्या मिलेगा 0.44 GLMR से, मुझे मिलेगा एक 1.76 स्टेला। तो समझ लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे को केवल 0.40 का स्टेला स्वैप चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे 0.40 किया, बिकॉज फीस के लिए भी कुछ ना कुछ आप बचा के रखना, ये नहीं होना चाहिए कि जो भी GLMR आपने मेटामास्क में भेजा है वो सबका बाय कर लो। तो जैसे ही आप यहाँ पे वो करोगे, जैसे भी आप स्वैप करोगे, तो सबसे पहले नीचे स्वैप का ऑप्शन है, स्वैप पे क्लिक करोगे, मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ 0.20 का, स्वैप का बटन को क्लिक करेंगे, कंफर्म स्वैप करेंगे, कंफर्मेशन का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, कंफर्म होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ एड स्टेला टू मेटामास्क, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एड टू मेटामास्क कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो ये जो वीडियोस होते हैं इस टाइप के, जनरली जो इंडियन यूट्यूबर बनाता नहीं है,
क्योंकि वो प्रीमियम ग्रुप अपना बनाता है और इस टाइप के जो वीडियोस है और समझाने के लिए उनको केवल और केवल प्रीमियम ग्रुप के अंदर बताता है, और नॉर्मल जो है उसके अंदर बिल्कुल भी ये बताता नहीं है नॉर्मल डिस्कशन या नॉर्मल वीडियोस में, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं ये इन चीजों के लिए चार्ज कर रहा जाता है। मेरे चैनल के ऊपर ये बिल्कुल फ्री होता है, कैसे बाय करते हो, कैसे बाय कर सकते हो, कैसे स्टेक कर सकते हो, इन चीजों का ट्यूटोरियल मेरे जो चैनल पे एकदम फ्री होता है। आप देख के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, बिकॉज नॉलेज तो पहले, इनकम बाद में। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू मेटामास्क कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसको, अगर मैंने देखना है कि मेरे पास कितने स्टेला आ गए, तो यहाँ पे मैक्स का उसको उल्टा करके, जैसे ऊपर मैं स्टेला कर दूंगा तो मैक्स का बटन दबाएंगे तो 0.78 स्टेला मेरे पास आ गए। तो इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको स्टेक करना, वो भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ, बिकॉज स्टेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज आप रख रहे हो, किसी यूट्यूबर के कहने पे, अब अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टेक कर सकते हो। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टेकिंग करना, लेकिन बहुत सारे मार्केट में अलग अलग टाइप के टोकन है, कहाँ तक किसको वॉच करते फिरोगे, कहाँ तक किसी को खरीदते और बेचते रहोगे, क्योंकि खरीदने और बेचने में भी काफी पैसा लगता है। बार बार ट्रेड करोगे, आप सोचोगे हाई पे चला गया अब मैं बेच देता हूँ, अब लो पे आ गया मैं खरीद देता हूँ, तो हमेशा टाइम आपकी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इस दुनिया में जो अच्छे ट्रेडर भी बहुत ज्यादा फेलियर होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। ज्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादातर आपको चार्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे बाय कर लो और यहाँ पे बेच दो, तो दोस्तों ये उन लोगों से भी बच के रहना है। आप ये सोचो कि चार्ट देखने वाले, अगर मैंने चार्ट सीख लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, चार्ट मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन फंडामेंटल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो एक जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाती है, चला सकती है, लेकिन जो इंडियन इंडिया में जैसे कोई शेयर बाजार है, शेयर बाजार के अंदर जो जो कंपनीज होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है, उनके ही शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो इस टाइप की स्वैप हो गई या कोई और तरह का कोई छोटा प्रोजेक्ट हो गया, वो बेसिकली छोटी छोटी कंपनी है, और कई जो टोकन होते हैं उसमें तो 5-6 लोग ही होते हैं, उसकी जो बिहाइंड में 5-6 लोग काम करते हैं और वही 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 मैनेज करते हैं इसको। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज चलने नहीं वाली। एनीवे, अब स्टेकिंग के ऊपर फिर दोबारा से आ जाते हैं। स्टेकिंग करने के लिए यहां पे स्टेक का बटन है, यहां पे एक्स टेला के ऊपर क्लिक करना है, एक्स टेला के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे जो स्टेकिंग का एपीआर है वो मिल रहा है 43% आपको। तो यहां पे सिंपल है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहां पे स्टेकिंग एपीआर लिख रहा है 43%। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे तो जो भी आपके पास स्टेला है उसको हम क्या करेंगे, यहां पे मैक्स करेंगे, लेकिन ये मैक्स करने के बाद आपका ये जो स्टेला आपके पास यहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा, इसको क्या करना है, छोटा करना है, थोड़ा करना है, बिकॉज फीस के लिए भी आपको देना है। फिर नीचे आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेक करेंगे, इसको स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे, स्टेक करेंगे, और इसके बाद यहां पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आ गया, यहां पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म होते ही ये जो आपका जो स्टेला है यहां पे स्टेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक्स स्टेला यहां मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे हमें एक्स स्टेला मिल चुका है, अब क्या करना है, इसमें इकोसिस्टम कुछ अलग है, किसी दूसरी अगर क्रिप्टो में देखा जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें आप एक टोकन होता है स्टेक करते हो, दूसरा टोकन मिलना शुरू हो जाता है, या कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, लॉकिंग के बाद टोकन मिल जाते हैं आपको सारे। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टेला स्वैप के अंदर क्या है, सबसे पहले स्टेला को अगर आप स्टेक करते हो तो एक्स स्टेला मिलता है। ठीक है, एक्स स्टेला में मिलने के बाद, एक्स स्टेला जैसे ही आपको मिला उसके बाद क्या करना होता है कि जो वॉलेट में आपके एक्स स्टेला दिखने लग जाता है तो एक्स स्टेला वाले ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे मैक्स करना है, फिर इसको स्टेक करना है, तो आपको उस टाइम आपको क्या मिलेगा, आपको स्टेला मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्टेक पे क्लिक कर दिया और कंफर्म कर दिया। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बताऊं कि इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता क्रिप्टो में, थोड़ा सा सीखना होता है, और मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, कभी भी इस टाइप के ट्यूटोरियल अगर देखने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की जाएगी। ठीक है,
और बिल्कुल भी 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा इन चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं इन चीजों के लिए आपको चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर वो इस टाइप के यू नो बाय किस तरह से करना है ये चीज नहीं बताते, स्टेक किस तरह से करना है ये चीज नहीं बताते। मेरे जो इसके अंदर है मेरे वीडियोस में काफी चीजें आपको बताई जाती है। आई होप कि आपको सब कुछ सही से समझ आ जाता होगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।